हेलो एवरीवन, आई एम ऑप्टोमेटिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी आई हेल्थ को मेंटेन रखना चाहती हो, आप अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहती हो, आईज को हेल्दी रखना चाहती हो, तो आपको वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जी हाँ, एक्चुअली मैं कुछ आई हैबिट हैं जो हमें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी रहेंगी अगर हम अपनी आई साइट को हेल्दी रखना चाहते हो तो। ओके, एक्चुअली मैं आप कोई भी अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में डालते हो तो आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर वन, विल पावर। आपकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही जल्दी आप कोई भी हैबिट अपनी लाइफ में डाल सकते हो, और आपको खुद पर भरोसा भी उतना ही, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो भी उतना ही रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन फिर भी हम उतनी जल्दी कोई भी हैबिट नहीं अपना पाते हैं, हमें थोड़ा टाइम होता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है हमें अपनी कोई हैबिट को तोड़ने में, क्योंकि हमारी बरसों की हैबिट्स जो होती हैं या फिर हम जाने अनजाने में कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल रहती हैं, उनको भी ब्रेक करने के लिए आपको वही इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंट की ज़रूरत रहेगी। साथ ही आपको टाइम देना रहेगा खुद को, तभी आप अपनी हैबिट को ब्रेक कर पाओगी, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। साथ ही इस टाइम पे कोविड काफ़ी चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड, कोविड में हम अपनी आई हेल्थ को कैसे मेंटेन रखी, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बैड हैबिट है, दैट इज़ नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जी हाँ, पानी कम पीना ना सिर्फ आपकी आईज के लिए हार्मफुल है बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आपके अंदर पानी की कमी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, और आपको वीकनेस जैसी प्रॉब्लम भी काफ़ी हो सकती है। आप पानी ना पियोगे तो आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील होगी। साथ ही हमारी आईज में ड्राई आई जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारी आईज को हेल्थी रखने के लिए वाटर बहुत रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप इनफ वाटर नहीं पी रहे हो देन आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हो तो आपको ड्राई आई की जल्दी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो देन आपको नेसेसरी है कि आप 10-12 ग्लास ऑफ वाटर पिए। अगर आप नहीं पहनते हो फिर भी एटलीस्ट आपको 8 ग्लास ऑफ वाटर तो पीना ही है, तभी आपकी आई हेल्थ हेल्दी रह पाएंगी। ओके, आईज हेल्दी रह पाएंगी। ओके, नंबर सेकंड, नॉट ईटिंग गुड डाइट। जी हाँ, एक हेल्दी फूड हमारी आईज के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। जंक फूड हमारी आईज के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप जंक फूड लवर हो देन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आपको एटलीस्ट वंस हेल्दी मील इन अ डे आपको शामिल करना ही चाहिए। आप पूरे दिन हेल्दी नहीं खा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे दिन में आप अपना एक, चाहे लंच हेल्दी रखो, डिनर हेल्दी रखो या ब्रेकफास्ट, वो आपको चूज करना है। आप इतना कीजिए, आप अपनी आई हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपकी आई हेल्थ काफ़ी इंटरनली इम्प्रूव हो जाएंगी। ओके, और साथ ही आपकी बॉडी के फंक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, नॉट वेयरिंग सनग्लासेस। जी हाँ, कुछ लोग सनग्लासेस यूज़ करते हैं जब वो आउटडोर के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ लोग स्विमिंग में भी यूज करते हैं, बट हाँ, सनग्लासेस सिर्फ ट्रेंडी या क्लासी दिखने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी आईज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप जब भी आउटडोर के लिए जाते हो आपको हमेशा सनग्लासेस वेयर करना है। सनग्लासेस आपको ना सिर्फ सनलाइट से प्रोटेक्शन देंगे बल्कि कोई भी फॉजन बॉडी वगैरह आपकी आईज में, आपकी आईज में कोई भी फॉजन बॉडी पार्टिकल एंटर नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी फॉजन बॉडी पार्टिकल एंटर करेगा तो वो आपकी आईज में डीप आई इंजरी भी कर सकता है। ओके,
सो ऑलवेज वेयर अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस, ओके, ऑलवेज कीप अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस, ओके, जब भी आप बाहर जाएं तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस जरूर पहने, ओके. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अप्लाइंग टू मच आई मेकअप. जी हाँ, एक्चुअली मैं आजकल के लाइफ स्टाइल में सभी को अच्छा दिखना अच्छा लगता है, बट कभी कभार हम बहुत ज़्यादा आई मेकअप यूज़ करते हैं, रेगुलर में यूज़ करते हैं. ऐसे में आप आई मेकअप यूज़ कर सकते हो बट हाइजीन मेंटेन करके. लाइक आपको कभी भी आई मेकअप के साथ में सोना नहीं है, आप जब भी सो आप आई मेकअप रिमूव करके सो, बिकॉज आप एक्सेसिव आई मेकअप अप्लाई करके रखते हो तो आपकी आईलिड मार्जिन में स्वेलिंग भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, आईज में भी रेडनेस हो सकती है. हाँ, और आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका आई मेकअप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एक्सपायर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक्सपायर आई मेकअप से अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं, लाइक आपको कंजक्टिवाइटिस, स्ट्राइकी जैसी सीरियस आई प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ओके. सो आई मेकअप अप्लाई कीजिए, बट आप नाइट में आईज को रिलैक्स करने के लिए आप उनको आई मेकअप को रिमूव करके ही सोएं, और साथ ही एक्सपायरी आई मेकअप बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और एक्सेसिव आई मेकअप भी यूज नहीं करना है, ओके. आप सब लोगों की आईज वैसे भी विदाउट मेकअप भी बहुत खूबसूरत हैं, सो बहुत ज़्यादा आई मेकअप अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि वियरिंग ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंस. जी हाँ, एक्चुअली मैं ये कॉमनली देखा गया है कि आप जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, सपोज हमने 1 मंथ के परचेज किए तो हम उन्हें 2 मंथ तक पहनते हैं. जी हाँ, कुछ लोग होते हैं कुछ लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं. मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस के टाइम पे ये चीज़ नोटिस की है कि पेशेंट 1 मंथ के कॉन्टैक्ट लेंस को एक्स्ट्रा पहनते हैं, ओके. बट ऐसा नहीं पहनना है, वो लोग बोलते हैं कि हम ओकेजनली पहनते हो, बट नो, जितना उसकी टाइमिंग है उससे ज़्यादा आपको नहीं पहनना है, बिकॉज उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. आपको सीरियस आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, यू नो, आपको आई इचिंग, रेडनेस, ये सब नॉर्मल है, बट आपको सीरियस आई डिजीज भी हो सकते हैं इसकी वजह से, ओके. एंड सेकेंड थिंग, प्लीज नेवर शेयर योर कॉन्टैक्ट लेंस विद अदर्स, ओके. आपको कभी भी अपने कॉन्टैक्ट लेंसेस किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, ओके. साथ ही आप जब भी कॉन्टैक्ट लेंस को रख रहे हो तो उनको अच्छे से वॉश करके केस में ही रखिए, और फिर हाइजीनिक मेंटेन करके उनको पहनिए, तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टू मच स्क्रीन टाइम. जी हाँ, एक्चुअली मैं आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम भी काफ़ी बढ़ गया है. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो, लाइक लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, तो उनसे निकलने वाली ब्लू वायलेट रेस हमारी आइज के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती हैं. ऐसे में आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप फोन वगैरह यूज़ करते हो तो आप अपना ब्रेक लें, 10 to 15 minutes का आप ब्रेक लीजिए, आई को रेस्ट दीजिए, ओके. साथ ही आप ब्लू वायलेट रेज को कंट्रोल करने के लिए ग्लासेस आते हैं, आप उनको वेयर कर सकते हो, ओके. तो उससे भी आपकी आई हेल्थ काफ़ी मेंटेन रहेगी. साथ ही आप ट्राई कीजिए कि आपको लेट नाइट फोन यूज़ बिल्कुल नहीं करना है. आई नो दैट इज़ ऑल्सो हार्ड, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप लेट नाइट फोन यूज़ ना करें. इवन हो सके तो आप सोने से पहले अपने फ़ोन को 1 आवर पहले ही आप अपने से दूर रख दें. ये सिर्फ ना आपकी आईज को हेल्दी रखेगा बल्कि आपके स्लीपिंग साइकिल को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके. आपको नींद भी अच्छी आएगी, ट्राई करके देख सकते हो, ओके. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टू मच सनलाइट एक्सपोजर. जी हाँ, एक्चुअली मैं जब आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन बर्न होती है, बट आपकी आई साइड के पास की स्किन भी बर्न होती है, और आपकी आईज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक यू नो, मैकुलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट, ये सारी
प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव सनलाइट अगर हमारी आईज में जाती है तो उसकी वजह से हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप सनलाइट में जा रहे हैं तो आपने कुछ प्रोटेक्शन ग्लासेस पहन रखी हो, जिससे आपकी आईज में डायरेक्ट सनलाइट ना जाए और आपकी आईज को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाली हैं पुटिंग आई ड्रॉप विदाउट कंसल्टिंग आई स्पेशलिस्ट। जी हाँ, जैसे आप फोन वगैरह यूज करते हो या फिर नॉर्मली कभी भी हमारी आईज में स्वेलिंग या रेडनेस होती है, इचिंग वगैरह होती है, तो जनरली हम कोई भी आई ड्रॉप परचेज करते हैं और आईज में अप्लाई कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज सबकी आईज अलग होती हैं, हर एक एज ग्रुप के लिए अलग आई ड्रॉप होती हैं, हर आईज को एक स्पेशल आई ड्रॉप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको कोई भी आई ड्रॉप ऐसे ही नहीं डालनी है, आप पहले अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद में ही आपको आई ड्रॉप डालनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉट गोइंग फॉर द आई टेस्ट। ओके, एक्चुअली मैं एक एक रूटीन होना चाहिए, लाइक 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में आप अपना रेगुलर आई चेकअप करवाओ। आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए और अपना आई चेकअप करवाइए। उससे क्या रहेगा, कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको इनिशियल स्टेज में फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो इनिशियल स्टेज में कोई भी आई प्रॉब्लम को ट्रीट करना ईजीली रहता है, अदरवाइज फिर बाद में उतनी जल्दी क्योर नहीं हो पाती है। ओके, सो आप अपनी आईज को हेल्दी रखने के लिए आई चेकअप का रूटीन जरूर बनाएं। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रबिंग योर आईज टू मच। जी हाँ, ये भी हमारी हैबिट होती है कि कुछ लोग तो ऐसे आईज को रब करते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। ओके, आईज को रब, क्योंकि आप डस्ट पार्टिकल, आप ऐसे गंदे हाथों से आईज को रब करते हो तो उससे आई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही कोई भी पार्टिकल होता है जो आपकी आईज में इंजरी कर सकता है, अगर आपके हाथ में लगा हुआ है तो आपको ये हैबिट रखनी नहीं है। आप अपनी आईज को रब मत कीजिए, आपकी आईज को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रबिंग की। ओके, सो प्लीज डोंट रब योर आईज। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉट टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। जी हाँ, एक्चुअली मैं इनफ स्लीप हम लोग नहीं लेते हैं, लाइक कभी वर्क होता है, कभी स्ट्रेस होता है, वर्कलोड की वजह से हम कंप्लीट स्लीप नहीं ले पाते हैं, और कुछ सोशल मीडिया की वजह से भी नहीं ले पाते हैं, फोन वगैरह यूज करते रहते हैं, टाइम का पता नहीं चलता है। तो वो हैबिट्स आपको नहीं रखनी है, आप एक अच्छी नींद लीजिए। आपकी आईज के लिए रिक्वायरमेंट है, ना सिर्फ आईज के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन को फ्रेश अप के लिए रिक्वायरमेंट है एक अच्छी स्लीप। ओके, सो एक अच्छी स्लीप रखिए, दैट इज गुड फॉर योर आईज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आजकल लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हो गया है, बट वो आपको नहीं करना है। स्मोकिंग से कैटरेक्ट, मैकुलर डिजनरेशन जैसी सीरियस आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और स्मोकिंग आपकी पूरी हेल्थ के लिए डेंजरस है। सो प्लीज डोंट स्मोक। ओके, अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आप आज से छोड़ दीजिए। ओके, दैट इज रियली इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर आईज। ओके, सिर्फ ये जरूरत है, नेसेसरी है ये। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी आईज को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं कि आप इनको ब्रेक कीजिए और एक अच्छी आई हेल्थ को मेंटेन कीजिए और ब्यूटीफुल आईज से ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, सो आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर टुडे। सो टेक केयर ऑफ योर आईज एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ओके, थैंक यू सो मच।